एमपी के शिवपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट की झूठी घटना का खुलासा किया और साइकिल चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। सतनवाड़ा पुलिस को 1.5 लाख रुपए की लूट की बड़ी सफलता मिली है। वहीं सिटी कोतवाली के हाथ भी बड़ी सफलता लगी है। कोतवाली पुलिस ने एक साइकिल चोर को गिरफ्तार किया है, जिससे तकरीबन 1 दर्जन साइकिलें बरामद की गई है। वहीं सतनवाड़ा थाने पुलिस ने 3 लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक सूचना मिली थी कि किसी लोडिंग गाड़ी वाले से लूट हुई है, तो इसमें जब पूरी बातचीत की गई तो इसमें पता लगा कि इसमें कालू शाह करके व्यक्ति हैं, शाहजहांपुर के टोस के व्यापारी हैं। इन्होंने अपनी टोस का सामान डबरा के लिए भेजा था और डबरा से वो 1.5 लाख रुपए इनके ड्राइवर जो लेके आया था अरबाज और दूसरा उसके साथ शहदाब था, तो इन लोगों ने ऐसा बताया कि ये कोई किसी ने लूट कर ली इनके साथ में एक कार से आके। पूरे उसको वेरिफिकेशन किया गया था हमारे एडिशनल एसपी प्रवीण एसडीओपी अजय भार्गव और हमारे समय थाना प्रभारी सतनवाड़ा दिनेश सिंह और सुनील राजपूत सुभाष करावन की टीम में। तो इसमें फाइनली ये कंक्लूड हुआ कि ये क्या थे, एक साथ में अपने साथी मिट्टू खान को बुला के इन्होंने पैसा पहले भिजवा दिया और बाद में लूट की रिपोर्ट कर रहे थे। फाइनली तीनों को अरेस्ट किया गया है। इसमें 406 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है इसके मालिक की तरफ से और तीनों जो है मिलकर ये काम कर रहे थे क्योंकि इनको कर्जा हो गया था। तीनों शाहजहांपुर के रहने वाले, एक अच्छी सफलता है। सर इनके इनकी तीनों लोगों की कोई इनसाइड स्टोरी निकल के सामने आ पाई है? इसमें भी बात यही आई कि इनका कहना था कि कर्जा लिया था तो एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए देना था किसी को, तो उन्होंने फिर उसके लिए किया, दूसरे कहा कि हमको भी कुछ पैसा मिल जाएगा और इन्होंने सोचा कि हम बस ये बता देंगे कहानी तो पुलिस इसी में घूमती रहेगी, पर हमारा काम। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।